मधुपुर नगर परिषद सभागार में अंगीकार अभियान के तहत जनप्रतिनिधि और नगर परिषद कर्मी के साथ हुई बैठक। मधुपुर नगर परिषद सभागार में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर वार्ड पार्षदों समेत अन्य लोगों के साथ बैठक कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिले इसके लिए कार्यशाला कर इसकी जानकारी दी जा रही है। बैठक के उपरांत में उपस्थित अध्यक्षा लतिका मुर्मू व उपाध्यक्ष जियाउल हक समेत सभी वार्ड पार्षदों व अन्य लोगों को स्वच्छता का शपथ दिलाया गया, जिसमें अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाने, जहां तहां कूड़ा कचरा नहीं फेंकने, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने, लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, सफाई के लिए 100 घंटे समर्पित करने समेत गांव कस्बों में स्वच्छ भारत मिशन का संदेश पहुंचाने का शपथ दिलाया गया। मौके पर नगर प्रबंधक मुकेश निरंजन, विश्वनाथ भगत, वार्ड पार्षद राजेश आनंद, नेकी खातून, रेखा देवी, सनवर याश्मीन समेत नगर परिषद कर्मी मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद हो। आज का अंगीकार का बैठक, अंगीकार का माने स्वीकार करना, जो सरकार हमको दी है उसको हम स्वीकार किए। अंगीकार का अर्थ यही होता है। आज अंगीकार का बैठक है, सफलतापूर्वक हुआ, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष मैडम और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने आपको बताया, मैं केवल मधुपुर के आम लोगों से आह्वान और उनसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारी जो योजनाएं चलती है, हमारा जो कार्य चलता है, उसमें आपका भरपूर सहयोग की आवश्यकता है। और केवल नगर पालिका चाह ले तो शहर को स्वच्छ नहीं किया जा सकता है। जब तक शहर में रहने वाले 100% व्यक्ति जागरूक नहीं हो जाए, आप जहाँ तहाँ कुल्फी ना फेंकें, आप जिस तरह के जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है आप अगर उसको यूज़ भी कर लेते हैं तो कम से कम उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसको जला दें, और बहुत सारी चीज़ है जिससे आप शहर को स्वच्छ रख सकते हैं। ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि नगर पालिका के द्वारा हमारे व्यवसायी भाइयों पर कार्रवाई होती है, उन पर फाइन लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। परंतु हम लोग भी बाध्य हैं कि हम कार्रवाई अगर नहीं करें तो विधि व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, शहर का वातावरण बिगड़ जाएगा, स्वच्छता पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। आप जहाँ तहाँ देखें, आज जो हमारा जितना ड्रेनेज है, जितने कपड़े व्यवसायी भाई हमारे हैं, सारे कपड़े दिन भर बिक्री करते हैं और उठा के ड्रेन में और नाले में फेंक देते हैं। ये लगता है कि हम लोग नगर पालिका रोज एक ही दरवाजे पर रोज साफ सफाई करें, तो आप केवल लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो नगर पालिका क्या जवाब देगी। आप अपने ऊपर भी जवाबदेही तय करें। ये आग्रह पूर्वक नगर वासियों को, व्यवसायी वर्गों को, बुद्धिजीवियों को और सभी संगठनों को मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ पूरे बोर्ड की ओर से कि आप नगर पालिका का सहयोग करें, निश्चित रूप से मधुपुर स्वच्छ और बेहतर मधुपुर बनेगी। धन्यवाद। अंगीकार के तहत किया जा रहा है कि जितने भी हमारे लाभुक उन सभी को सरकार की सभी योजना एक साथ मिल सके, इसी के लिए हम लोगों ने सारा चीज़ स्वच्छ भारत मिशन का हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, उजाला योजना है, चाहे जितने भी तरह के चल रहे हैं, सारी योजना उनको उपलब्ध कराया जाए, इसी को अंगीकार योजना है। इसी पर हम लोगों ने आज एक सभा की बैठक करके सेमिनार करके लोगों को समझाया कार अभियान को सफल बनाने को। आज जो बैठक जो किया गया है उसका मेन जो प्रमुख जो बात है कि पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जीवन, कूड़े का सही निष्पादन जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आयुष्मान भारत, हम डॉक्टर साहब अरे जितने भी हमारी सरकारी योजना चल रहा है, जैसे कि LPG गैस उज्ज्वला योजना हो गया, उजाला योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड हो गया, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी जितनी भी सरकारी योजना है सभी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटेड मतलब हुआ कि एक ऐप्स है, उस ऐप्स के माध्यम से कोई शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, उनको अगर उनका LPG गैस कनेक्शन मिला है, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ कार्ड उनको मिला है या उजाला योजना मिला है, तो ये सभी को इंटीग्रेट करना है, एक ही साथ उसको लिंक को जोड़ देना है, लिंक से उसको जोड़ देना है। हम वो झुक्की झोपड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना